दोस्तों, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की तरफ से रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। काफी सारे पदों के लिए वैकेंसियां हैं अलग अलग क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। जॉब लोकेशन आपको पता लग ही गई होगी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग दिल्ली की तरफ से है, तो जॉब लोकेशन आपकी दिल्ली ही रहने वाली है। ऑनलाइन आपको आवेदन करना होगा, चाहे किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के आप निवासी हो, आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सारी जानकारी इस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई इनके ऑफिशियल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से जरूर देखिएगा और ऑल ओवर इंडिया लेवल से गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ठीक है दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखेंगे, उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट और उसके बाद डिटेल्ड नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम पदों का विवरण देखते हैं स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से। 11 अक्टूबर 2023 को ये नोटिफिकेशन, ये विज्ञापन जारी किया गया था। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में भी पब्लिश हुआ था और ऑफिशियल वेबसाइट sol.du.ac.in यहां पे भी ये नोटिफिकेशन अवेलेबल है। तो यहां आप देखेंगे पदों का विवरण, डिप्टी रजिस्ट्रार की एक वैकेंसी है, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर लेवल 10 की एक है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की 3 है, जूनियर प्रोग्रामर की 2, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 1, सीनियर असिस्टेंट की 8, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर की 5, स्टेनोग्राफर की 3 वैकेंसियां हैं, असिस्टेंट की 14 हैं, जूनियर असिस्टेंट की 37 हैं, ड्राइवर की 1 है, लैब अटेंडेंट की 1। तो ये पदों का विवरण है और इनकी देखिए क्लिक फॉर डिटेल्स, पद के बिल्कुल सामने जो लिंक दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करके आप उस रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई सारी डिटेल पा सकते हैं। जैसे जूनियर असिस्टेंट है, 37 वैकेंसियां हैं और हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं। हमने जैसे ही लिंक पे क्लिक किया, एक्सटर्नल वेबसाइट की तरफ हमें डाइवर्ट किया गया और इस प्रकार से नोटिफिकेशन अपने सामने ओपन हो गया। तो जूनियर असिस्टेंट की सारी जानकारी यहां हमें मिल गई है। इनके लिए 10+2 आपने कर रखी हो और उसी के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड परमानेंट इंग्लिश और 30 वर्ड परमानेंट हिंदी टाइपराइटिंग की होनी चाहिए और ये कंप्यूटर पे होनी चाहिए। अपर एज लिमिट अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 27 साल इनके लिए निर्धारित की गई है। ये एग्जामिनेशन स्कीम दे दी गई है, टेस्ट कंपोनेंट दे दिए गए हैं, मतलब उस पद से जुड़ी हुई सारी जानकारी लिंक पर क्लिक करके आप पा सकते हैं। जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, जर्नल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1000, ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस और वुमेन कैटेगरी के लिए 800, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए 600 रुपए एप्लीकेशन फीस यहां निर्धारित की गई है। अब वापिस चलते हैं, हम उस शॉर्ट नोटिफिकेशन की तरफ ही चलते हैं। ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने अभी आपको बताई थी sol.du.ac.in, यहां आपको ये नोटिफिकेशन मिलेगा। इस नोटिफिकेशन में पद के आगे जो लिंक लिखा हुआ है, इस लिंक पे क्लिक करके आप सारी जानकारी इनसे जुड़ी हुई ले सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि कल है, 4 नवंबर 2023, मतलब ये एक ये रिमाइंडर कॉल है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन आया था उस दिन भी मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कराई थी, अब फिर से एक रिमाइंडर आप तक पहुंचा रहा हूं। इन इन पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं दिखा देता हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, web.sol.du.ac.in। ऑफिशियल वेबसाइट पे ही ये देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ऑफिसर स्टाफ, आप यहां क्लिक करके ये नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और इस नोटिफिकेशन में जिस भी पद के लिए आपको आवेदन करना है, लिंक आगे दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके उससे जुड़ी हुई सारी जानकारी आप ले सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक भी आपको यहां मिल जाएगा। ये देखिए ये लिंक है ऑनलाइन आवेदन करने का, इस लिंक पे क्लिक करके आप इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। देखिए क्लिक टू अप्लाई। तो ठीक है दोस्तों, मेन सारी जानकारी रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई बिल्कुल विस्तार से आपके साथ वीडियो के माध्यम से शेयर की गई। वीडियो अच्छा लगा तो आप भी इसे लाइक और शेयर करें। तो ठीक है, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।